मेरा नाम निखिल भारद्वाज है और मैं लाइफ सेवियर फाउंडेशन में रॉबिन जी के साथ में काम करता हूँ। और जब ये स्कूल हमने शुरू किया था तो एक हमने संकल्प ये किया था कि समाज में एक शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय में हमने रॉबिन जी ने और हमारी आदरणीय कमला दीदी ने भी बहुत हमारा सुनीता जी ने भी हमारी बहुत मदद की। और जब हम इस काम को करने लगे तो हमें बहुत तरह की परेशानियाँ आई, जैसे कि आप सब यहाँ देख सकते हैं, अगर आप कैमरा घुमाएंगे तो हमारे पास में क्या था कि जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जैसे पानी है, बिजली है, इन चीज़ों के बारे में हमने बहुत फेस किया। ठीक है, सबसे बड़ी बात क्या था कि जब यहाँ पे बच्चे पढ़ते थे तो काफ़ी कंकर थे, पत्थर थे, तो बच्चों को कई बार कांच लग जाया करता था। तो हम रॉबिन जी सब मिल करके जहाँ भी छोटी सी व्यवस्था होती थी उनको पट्टी करना, उनको फर्स्ट एड देना, ये सब चीज़ें दी। उसके बाद में कुछ लोग भी हमारे संपर्क में आए, उन्होंने भी देखा ये सब चीज़ करते हुए, और अभी भी हम कुछ चीज़ों से वंचित हैं। सबसे पहले क्या है कि अभी जो भी बच्चे हैं प्लेग्राउंड के लिए, जैसे उनको जगह है, वो जगह अभी इतनी अच्छी नहीं है कि बच्चे वहाँ पर खेल सके। और कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जिनका अभाव है, जैसे कॉपी किताब है, अभी उन बच्चों के लिए हम धीरे धीरे लोगों से इकट्ठित होकर जी, जैसे कि कुछ संस्थाएं निकल कर आती हैं कि हम कॉपी का इंतज़ाम करेंगे, हम इस तरीके का इंतज़ाम करेंगे, लेकिन गरीब लोगों के लिए अभी तक कोई निकल के नहीं आया। अगर यही NGO कहीं रजिस्टर्ड होती तो अभी करोड़ों लाखों रुपये आ जाते हैं। जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल वाकिफ रखता हूँ। कई बार क्या है कि हमने उन सभी लोगों से जो इस विभाग से रिलेटेड हैं उनसे बातें भी की, हमने अपने जो निगम पारिषद हैं उनको भी बुलाया था, उनसे भी ये चीज़ें पूछी थी, तो उन्होंने हमें ये कहा था कि यहाँ पे हम शौचालय की सुविधा करेंगे। आप देख ही रहे हैं, जैसे कि हमारी माताएँ बहनें हैं, अब इनके पास में क्या है कि इनको खुले में शौच जाते हैं। अब एक तरफ हमें गवर्नमेंट ये कहती है कि खुले में शौच जाने से बहुत बीमारियाँ होती हैं, और जब दूसरी बात आती है कि शौचालय के लिए, तो आप देख सकते हो कि अभी ये बता रहे थे हमारे प्रधान जी कि 1985 से यहाँ पे रह रहे हैं, और उसके बावजूद भी 1995 से यहाँ पर रह रहे हैं, पर अभी तक उन सुविधाओं से वो वंचित है, क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थिति है कि वो ये सब चीज़ें नहीं कर पा रहे, क्योंकि ना उनके पास कोई ऐसा प्रशासनिक अमला है कि जिस तरीके से वो उस क्रिया को कर सके। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, हमारे बच्चे हैं अभी क्या है कि उनके पास ऐसी चीज़ें हैं कि वो पढ़ नहीं पाते टाइमली, क्योंकि दे नहीं पा रहे, क्योंकि लोग सपोर्ट नहीं कर पा रहे, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं। एक तरफ गवर्नमेंट कहती है स्किल इंडिया, ठीक है, अब स्किल इंडिया में क्या है कि स्किल की बारे में बातें होती हैं, मगर मैं भी चाहता हूं कि जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं, जो कुचले हुए लोग हैं, उनको भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। और आप यहां पे देख ही पा रहे हैं सभी चीज़ें कि शिक्षा से बहुत दूर दूर हैं, और इनके लिए मैं ये चाहूँगा कि हमारे जितने भी यहाँ पर आज विशेष अतिथि आए हैं कुछ हमें सहयोग करें, हमारे साथ बढ़ें, एक प्रेरणा दें। और मेरा मानना ये है कि शिक्षा सबसे श्रेष्ठ धन है, अगर इनको जीवन में शिक्षा मिलेगी तो ये जीवन में कुछ करेंगे और हमारा एक सभ्य समाज हो पाएगा। धन्यवाद सर।